थाना अंतर्गत महसाला परिसर में एक व्यक्ति ने चरित्र पर संदेह कर अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। जख्मी महिला का उपचार जारी है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी जयभीम चौक महेंद्र नगर निवासी सिद्धार्थ भीमराव मेशराम बताया गया। जख्मी पत्नी निशा का मेयो अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने महसाला निवासी पूजा कृष्णा तुंगा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि निशा पूजा के पति कृष्णा को भाई मानती है और उन्हें राखी भी बांधती है। सिद्धार्थ और निशा केटरिंग सर्विस में काम करते हैं। काम के चलते सिद्धार्थ अकोला गया था। इस दौरान निशा को भी एक केटरर के पास काम मिल गया। निशा मंगलवार की दोपहर पूजा और कृष्णा से मिलने उनके घर आई थी। इस बीच सिद्धार्थ घर पहुंच गया, वह भी कृष्णा के घर पहुंचा। अपनी गैर हाजिरी में दूसरे केटरर के साथ काम करने को लेकर उसने निशा के साथ विवाद शुरू कर दिया। केटरर के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप लगाते हुए उसने निशा को मारना शुरू कर दिया। जेब से चाकू निकालकर गर्दन, पेट और हाथ पर वार कर जान से मारने की कोशिश की। निशा वहीं बेहोश होकर गिर गई और सिद्धार्थ फरार हो गया। पूजा ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। निशा को उपचार के लिए मियो अस्पताल ले जाया गया। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर पुलिस ने सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया। काल दिनांक 14 रोजी 1 वाजता दरम्यान मसाळा मेरी पुष्पिन स्कूलच्या मागे आहे। इथे राहणार आहे सिद्धार्थ भीमराव मेश्राम आणि निशा सिद्धार्थ मेश्राम। हे तिथं एक त्यांची ननद आहे, मानलेला भाऊ त्यांच्याकडे सात तारखेपासून राहायला गेलेले होते। त्या दरम्यान त्यांच्यामध्ये निशा सिद्धार्थ मेश्राम आहे। तिच्यावर संशयाच्या कारणावरून कथित कुणासोबत तरी रिलेशन आहे, या कारणावरून सिद्धार्थ भीमराव मेश्राम याने तिला चाकूने तिच्या गळ्यावर, पोटावर, शरीरावर असे मारून गंभीर जखमी केलेले आहे। आम्ही इतिनान उत्सव पूजा कृष्णा तुंगा यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल 307 गुन्हा दाखल केलेला आहे। ती सध्या हॉस्पिटल जखमी जी आहे निशा सिद्धार्थ मेश्राम या हॉस्पिटलमध्ये सध्या उपचार घेत आहे। नाही, याचा जो आरोपी आहे सिद्धार्थ भीमराव मेश्राम याचा काही पूर्वीचा काही असा रेकॉर्ड नाही। मारण्याचे कारण म्हणजे त्याचा हा तिचा दुसरा नवरा होता आणि परत तो तिच्यावर संशय घ्यायचा की तुझ्या आणखी काही रिलेशन वगैरे आहे, त्याच कारणावरून त्याने तिला चाकूने हमला करून गंभीर जखमी केले होते। त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी सिद्धार्थ भीमराव मेश्राम हा ताब्यात आहे, त्याला कोर्टामध्ये माननीय कोर्टासमोर हजर करून 3-4 वगैरे घेतले। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज नागपूर।